मिस्टर पाटिल प्लीज कुछ करिए, जो करना है करिए, अपनी टीम बढ़ाइए, लेकिन प्लीज सारंगधर को ढूंढिए, उसे मेरी हेल्प की जरूरत है, वो किसी ट्रबल में, प्लीज प्लीज सारंगधर को ढूंढ लीजिए। हम पहुंच जाएंगे सारंगधर तक। आलिया जी आप हिम्मत नहीं हारिएगा, आपकी हिम्मत की स्टोरी सारे न्यूज़पेपर में छपती है। एक मिनट, हेलो, क्या अब? हाँ, सारंगधर तो अभी नहीं मिला है, लेकिन उसके साथ वाली जो लड़की थी ना वो मिल गई है। कौन है वो? कुमकुम, तुम यहां कैसे? क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बचा लो लल्ला को, सूरज को बचा लो। क्या हवलदार, बैन लेना इनका। मैडम एक एक बात ठीक से बताना। बोलो मैडम, कब मिले थे और कितने बजे मिले थे और कौन था आपके साथ? बोलो मैडम, बोलो, बहुत जरूरी है। मैं भाग के आ रही थी। मैडम साफ साफ बोलो। I know सारंगधर की तुम्हारे यहाँ तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पर क्या मैं उसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? मैडम आप जब तक बोलेगी नहीं तब तक हम आपके भाई और पति को कैसे ढूंढेंगे? ऑफिसर बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कुमकुम बयान देने के स्टेट में बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैडम। लेकिन क्या? कुमकुम बयान देने के स्टेट में नहीं है और मैं उसे बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगी। कुमकुम चल। मैडम बात को समझिए। अरे मैडम इनका बयान देना बहुत जरूरी है, सारंगधर तक पहुंचने के लिए लीड मिल सकती है। और सारंगधर अपनी बहन को तकलीफ में कभी नहीं देखना चाहता। सारंगधर के लिए उसकी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं है, और मैं वही कर रही हूँ जो सारंगधर करता। अब कुमकुम बयान तभी देगी जब वो बयान देने के लायक होगी। लेकिन मैडम सब ठीक है, बहुत नर्वस थी इसलिए एंटी एंजाइटी की एक डोज दी है, मेडिसिन ने काम करना शुरू कर दिया है, बस अब इसे रेस्ट की जरूरत है। कुमकुम तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ, रेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए। हाँ तुम आराम करो, हम बाहर ही है। लेकिन क्यों? अरे चल ना, अच्छा कम। अरे मगर हम यहाँ क्यों आ गए हैं? बैठ, सिट। देखा लिया, तूने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया है, ओके? थोड़ा सा खा। अब आंटी जी आई। हमारी लाली कैसी है? वो कुमकुम सुबह तक बेटर होगी, हमें बस सुबह तक वेट करना है। और तुम बिटिया, तुम कैसी हो? तुम्हारी भी तो भाग दौड़ चल ही रही है ना? मैं ठीक हूँ। और लल्ला की कुछ खबर? कुमकुम उठेगी तभी कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें। विश्वास रखो बिटिया, सब ठीक होगा, घर जाओ आराम करो। आंटी जी ठीक कह रही है, आई थिंक तुझे घर जाकर आराम करना चाहिए। ओके ठीक है, मैं घर जाती हूँ, लेकिन सुबह मिलते हैं। ओके जाओ, हाँ संभाल के। Yeah.
लेट तक काम कर रही हूँ। कुछ काम फिनिश कर रही थी। सारंग का कुछ पता चला? आलिया, हम सब जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो। इस वक्त आप प्लीज हिम्मत मत हारिए और ऑफिस के सारे लोग उसके लिए प्रे कर रहे हैं। आई एम श्योर सारंगधर जहां भी होगा ना एकदम ठीक होगा। थैंक यू रोज। यू नो, जब मैं पहली बार मुझे पता चला था कि सारंगधर राइटर है तो पता है क्या हुआ था? रोजी मैडम, ये है वाउचर, यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए और ये रखिए पैसे। थैंक यू सो मच सारंग, तुम्हारा ना स्पिरिट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुनो, हाँ तुम्हें सच में राइटर बनना है? जी रोजी मैडम, राइटर तो बनना है बिल्कुल, पर अब देखते हैं कब कहाँ कैसे किस्मत। चलो मेरे साथ। कहाँ? रोजी जी सुनिए तो, अरे रोजी जी हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? तुम्हें दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना। नहीं नहीं रोजी जी, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे हमें राइटर बनना है पर हम कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहते हैं। रोजी जी जैसा आप चाहती हैं हम वैसा नहीं कर सकते क्योंकि हम वैसे हैं ही नहीं जैसा आप हमें समझ रही हैं। रोजी जी हम राइटर बनना है ना तुम्हें? मेरी रीडिंग्स हमेशा एक्यूरेट होती है। तुम्हारा लाइफ में जो भी सपना है ना ये कार्ड्स तुम्हें बताएंगे कि कैसे पूरा करना है। अब अपनी आंखें बंद करो और एनर्जी फील करो। करो आंखें बंद एंड पिक एनी थ्री कार्ड्स। ओके, दिस एंड दिस। यूनियन, पार्टनरशिप। तुम्हारा ना किसी के साथ पार्टनरशिप होने वाला है, लाइक अ यूनियन, लाइक अ टीम। ये यूनियन मैंने पक्का आपके और सारंग की बात की होगी। और यू नो सारंग की अच्छाई उसकी सिंपलिसिटी में है जो उसको दूसरों से इतना डिफरेंट बनाती है। एंड आई एम श्योर इतने अच्छे इंसान के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। डॉक्टर मैडम, कुमकुम ठीक तो है ना? सुबह तक ठीक हो जाएगी। आपके मुंह में घी शक्कर, कुमकुम के उठने का सबको बेसब्री से इंतजार है। जब ये उठेगी तभी तो लल्ला के बारे में पता चलेगा। बस कुछ घंटों की बात है, काना करे लल्ला बस ठीक ठाक हो। डोंट वरी, आई एम श्योर सारंगधर ठीक होगा। अभी भी सो रही है। ठीक है, लेट रेस्ट। हाँ हाँ
राबिया बोल, ये कुमकुम ठीक तो है ना? हाँ हाँ, शी इज मच बेटर, जाग रही है वो। ओके, मैं अभी आती हूँ। वो बहुत खतरनाक है, वो मार देंगे, वो हमारे बच्चे को मार देंगे। देखिए आप ऐसे मत रोइए, अगर आप ऐसे रोएंगे तो फिर हम सारंगधर और सूरज को कैसे ढूंढ पाएंगे? संभालिए अपने आप को। सूरज के बाप हमारे ससुर जी, वो हमारे बच्चे को मार देना चाहते हैं। सूरज जी ने कितना समझाया अपने बापू को कि हम सूरज जी के बच्चे के माँ बनने वाले, पर सूरज के बापू तो हमें ही दोष देने लगे। बोले कि पता नहीं किसका पाप है ये, इसे घर के बाहर निकाल। फिर जब सूरज जी ने कहा कि वो भी हमारे साथ जा रहे हैं, उन्होंने हमें धमकी दी कि वो हमें चाल से मार डालेंगे। फिर उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया और फिर हम बम्बई चलते हैं लल्ला के पास। सूरज जी एक वही जगह जहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। सही कह रही हूँ, चलते हैं। फिर हमने बम्बई के लिए ट्रेन पकड़ ली, लेकिन जिस ट्रेन में हम चढ़े थे उसी ट्रेन में ससुर जी के गुंडे भी चढ़ गए थे। पूरे रास्ते हम उनसे छिपने के लिए एक डब्बे से दूसरे डब्बे बदलते रहे और बम्बई पहुंचते हमने लल्ला को फोन कर दिया। हेलो लल्ला, बम्बई में हम बड़े परेशानी में, तुम फौरन आ जाओ। घबराइए मत आप, आप बताइए आप कहाँ हैं, हम अभी आते हैं। मीरा रोड स्टेशन में हम। इसका मतलब उस दिन ऑफिस से निकलने के बाद सारंगधर डैड से कैफे में मिला और वहाँ से निकलने के बाद उसने उस आदमी की मदद की और तभी तुम्हारा कॉल आ गया और तुमसे मिलने मीरा रोड आ गया। उसके बाद से सूरज के फादर के गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े और तुम उनसे भाग रहे हो। और इस भागदौड़ में सारंग का फोन उस गोडाउन में गिर गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के पास फोन नहीं? सूरज जी के पास तो था, लेकिन मुंबई पहुंचते उनका फोन बंद है गया और हमने तो जल्दी जल्दी में ना चार्जर रखा और ना ही फोन लिया। लेकिन फोन बाहर से भी कर सकते थे आप। हम जान बचाकर भाग ही रहे थे लगातार, फिर हम और लल्ला उस गैरेज में चले गए कॉल करने के लिए। दो घंटे पहले इस लड़की को देखा यहाँ पे? वो साहब आया था ना, इसके साथ में शायद एक पोरगी भी थी, ऐसा एक सोल ओढ़े हुए। लेकिन ससुर जी के गुंडे वहां भी पहुंच गए, जिस सब हमारे वजह से हो रहा है। लल्ला और सूरज जी ने हमें तो बचा लियो, पर अब उनकी जान खतरे में। प्लीज प्लीज उन्हें बचा लीजिए प्लीज। चुप कुमकुम मत रहो प्लीज। देखो तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हारी वजह से तो सारंगधर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। आई नो वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सूरज के फादर के नाम का वारंट निकलवाता हूँ, बयान पे कुमकुम जी का साइन ले लो। इनकी शक्ल देखी, मैंने तुम्हें कह दिया था पूरा परिवार हमारे लिए बुरी खबर है। अरे देखो किस सिचुएशन में फंस गए हम लोग। क्या बोल रहे हैं हम लोग? बुरी खबर है पांडे परिवार, बुरी खबर है। ये देखिए कैसे जंगल की तरह बिहेव करती है। प्लीज स्टॉप इट यू गाइस, क्या कर रहे हैं आप लोग? सारंगधर मिसिंग है, डैड अभी वो हमारी प्रायोरिटी। प्लीज इंस्पेक्टर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। कहा बोले ना, कहा बोले आप? हम जंगली जैसा बिहेव करते हैं? ए तो अपनी लड़की को काए ब्यारे हो हमारे खानदान से सरोफ साहब? छोड़ो ना जी, ये मौका नहीं है ये सब बात करने का। यही मौका है ये सब बात करने का। अरे जंगली नहीं तो और क्या है? देखा नहीं था वो आदमी किस तरह इसके बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था? तुम्हारे जाने से बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। शर्तों में भी ऐसा ही फील हुआ होगा जब मैं हॉस्पिटल में थी। अब इतना होने से बहुत अकेले हो गए हैं मालिया। कहने को सब अपने हैं लेकिन घर अपना कोई नहीं। मुश्किलों से इतनी है भरी। तुम्हारे जाने से दुनिया के रंग
दिखाई नहीं देते हैं सारंगधर। सब बेरंग लगता है। प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ। लाली कमजोरी है ना, दूध पीने से ताकत आएगी। तुम्हारे बड़े तो धतूरा खा के बैठे हैं, उन्हें तो अकल है ना है। और ना मानो अपने बापू की बात, एक बात समझ लो कुमकुम, भगवान ना करे हमारे लल्ला को कुछ हुआ तो हम किसी को छोड़ेंगे ना, किसी को भी ना। भगवान के लिए चुप हो जाओ, देख नहीं रहे हो बिटिया पेट से है और पिछले 2-3 दिनों में काका ना सहाय। हमारा लल्ला मुसीबत में और तुम कह रही हो हम चुप है जाएं। अरे तो पुलिस गई है ना पकड़ने सूरज के बापू को, देखना ना लल्ला और सूरज जल्दी आ जाएंगे। यस मिस्टर पाटिल, आपको कोई लीड मिली? अब मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, हो सकता है सारंगधर का कॉल। हेलो सारंगधर कुछ बोलो। हेलो, इतना उतावली मत बनिए मैडम, तोहफा भेजे है आपके लिए, प्लीज मना मत कीजिएगा। कौन बोल रहा है? हेलो जाइए, दरवाजा खोलिए, तोहफा हाजिर है, कबूल कीजिएगा। आलिया क्या हुआ, आर यू ओके? आलिया क्या हुआ बेटा, आर यू ओके? आलिया प्लीज ओपन द डोर। हेलो जी इंस्पेक्टर, मैं नंदिनी आलिया की मॉम। व्हाट? चलो लल्ला को सूर्य जी को बचा लो। आलिया हमें आपकी मदद चाहिए। अगर सारंगधर को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आलिया इंस्पेक्टर पाटिल का फोन था, सूरज के फादर को अरेस्ट कर लिया गया है, उन्होंने तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया है। राणे जाने जरा। सारंगधर कहाँ छुपा कर रखा है आपने उसको? पहले तो इस लड़की को यहाँ से हटाओ, हमारा बेइज्जती करने के लिए बुलाया क्या हमको यहाँ पे? वैसे भी हमको पकड़कर बहुत बड़ा गलती कर दी है। अब वैसे भी आपके पास कोई सबूत नहीं जो साबित करे कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे हमारा हाथ है। कुमकुम ने आपके खिलाफ बयान दिया। गवाह तो हमारे पास भी है मगर आपका गवाह कोई काम का नहीं है। बताए अंदर आ जाओ, आ जाओ, जाओ। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.